देखिए दोस्तों, क्रिस्पी पकोड़े बन चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। हमारे चैनल सिलकोटी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। तो मैं बताती हूँ आज मैं आपको इस ब्लॉग में क्या क्या दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए, मेरा बेटा यहाँ मैंगो खा रहा है। अब वो बताएगा उसको मैंगो कितना अच्छा लगता है। बताओ सुरेश, आपको मैंगो कितना अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। देखो 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 कितना अच्छा लगता है उसको। आपको क्या खाना है बेटा? पकौड़े खाने हैं? अच्छा, तो बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनाए थे, अब जो सिंपल कॉर्न आते हैं उसके पकौड़े बनाए मैंने। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कटोरी कॉर्न, एक कटोरी प्याज और एक कटोरी बेसन और कुछ मिर्च मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। तो कॉर्न सबसे पहले मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी, ठीक है? सारे कॉर्न मैंने उसमें डाल दिए हैं और उनको पीस लिया है। इनको मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। मोटे मोटा अगर आप पीसेंगे तो तभी आपका जो भी रेसिपी बनेगी वो अच्छी बनेगी, ठीक है? तो इसमें आप डाल दीजिएगा आप प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मैंने पहले नहीं दिखाया था, हरा धनिया मैंने बाद में डाला था ये। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि बेसन कम पड़ रहा है तो और भी आप बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करें, नमक डालें, हल्दी और रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च डाल दीजिए और फिर दोबारा इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है? देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से। तो ये मिक्स हो चुका है तो मैंने इसको थोड़ी देर ढक लिया है, जब तक मैं चटनी बनाने के लिए तैयारी कर देती हूँ। चटनी के लिए मैंने लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि ये हमारे गांव का लहसुन है तो इसको तो थोड़ा सा डालने में ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने लिए हरी मिर्च, टमाटर मैं काट रही हूँ, प्याज भी काटूँगी अभी। देखिए प्याज भी काट दिया है मैंने। और इसमें मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ चटनी, दही भी डाली मैंने थोड़ी सी। तो आगे देखते हैं चटनी। देखिए चटनी बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी। फिर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा और इसको अच्छे से मैं अब मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ और अब देखिए मैंने जो रखा था ढककर उसको ओपन कर लिया है और उसमें छोटे छोटे ना मैंने पहले ही गोलियां बना ली थी। तो ऑयल में मैं अब डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं फ्राई हो रहे हैं पकोड़े और ये ना बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं पकोड़े। आप भी ट्राई करिएगा घर पे। देखिए दोस्तों, क्रिस्पी पकोड़े बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और क्रिस्पी हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो देखिए अब पकोड़े भी बन चुके हैं और चटनी भी मैंने बाउल में रखी दी थी, तो अब देते हैं बच्चों को। बच्चों ने बच्चों की बहुत ही टेस्टी वाले पकोड़े बनाओ तो मैं टेस्ट कराती हूँ उनको। पहले मैं चटनी दे देती हूँ। फ्रेंड्स, ये ना सुंदर से पकोड़े हमारी मम्मी ने बनाया हमारे लिए। बहुत ही टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है। आप भी जरूर ट्राई करना अपने घर में, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा टेस्ट पापा। थैंक यू मम्मा पापा। थैंक यू। थैंक यू मम्मा। वेलकम। थैंक यू। तो दोस्तों, बच्चों ने तो अपना रिव्यू दे दिया मेरी वाइफ को, अपनी मदर को उन्होंने अपना रिव्यू दे दिया। वो कह रहे हैं बहुत ही टेस्टी है। वैसे दिखने में तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, बट लेट मी ट्राई। थोड़ा सा देखा मैं चटनी, चटनी भी बहुत खुशबू आ रही है क्योंकि पुदीने की चटनी है तो बहुत ही खुशबू आती है। और ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको खिलाना चाहूँगा, प्लीज़ खाइए, ये आपके लिए, आप ट्राई कीजिए।
नाउ अब मेरी बारी है, मैं टेस्ट करके बता दूँ कि कैसा है। सीरियसली अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा। तो स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनाए थे, लेकिन ये सिंपल कॉर्न के पकौड़े हैं और ये वाकई में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। वो पहले वाले से बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर इवन ना इसकी जो चटनी है, जो पुदीने का जो स्मेल आ रही है ना, वो कसम से बहुत अच्छी आ रही है। एंड आई रियली लाइक इट। और मैं थैंक्स टू माई वाइफ कि उन्होंने मतलब इतना एफर्ट करके बनाया और हमें सर्व किया। तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू, और थैंक यू आप लोगों को भी जो हमारे चैनल वॉच करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाते हैं तो वी प्रॉमिस यू हम केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।